की तरह हो गए हैं नौकरशाह। कौन सी पार्टी लगा पाएगी इन पर लगाम? आज तक काबू में नहीं आया भ्रष्ट अधिकारी। धार जिले में बेलगाम घोड़े हो चुके नौकरशाह को लेकर जनचर्चा जोरों पर है कि आखिर कब तक जनता भ्रष्ट अधिकारियों के जाल में उलझी रहेगी, इन पर कौन सी पार्टी लगाम लगा पाएगी। हमने दोनों प्रमुख पार्टी के शासन देख लिए, लेकिन इन सुविधा शुल्क के लालचियों का कुछ न बिगड़ा। एक बहुचर्चित अधिकारी अमर सिंह वासकेल के कारण उक्त सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में धार जिला मुख्यालय पर शासकीय नियमों को दरकिनार करते हुए नौकरशाही ने नित नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। उनमें से एक की बानगी इस प्रकार है कि इंदौर संभाग के पूर्व संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी के आदेश तक रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। मनावर विकासखंड के एक अधिकारी अमर सिंह वासकेल ने अपने धन बल के आगे वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी बात के लिए मजबूर कर रखा है। अपने विश्वस्त माथहत कर्मचारियों के माध्यम से उनका वसूली और हेरा फेरी का खुला खेल जारी है। यहाँ तक कि काले कारनामों को ढकने के लिए अमर सिंह वासकेल ने अपने विश्वसनीय कर्मचारी को मनावर विकासखंड का शिक्षा अधिकारी बनवा लिया। आपको बता दें, अमर सिंह वासकेल काफ़ी संपन्न व्यक्ति है, इसलिए उसके खिलाफ इतनी शिकायतें होने के बावजूद विभागीय कार्रवाई और विभागीय जाँच को दबा दिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री और संबंधित विभागाधिकारी कुछ संतोषजनक कार्रवाई करेंगे? धार से राजेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।